अहमद तू इतनी देर लगा देता तैयार होने में, अगर आज तू लेट हो गया ना उन्होंने पेपर में बैठने नहीं देना तुझे। सॉरी बाबा, वो मेरी शर्ट में चाय गिर गई थी, इस वजह से देर हो गई। सॉरी का बच्चा, तेरी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से वो अली तुझसे आगे निकलता जा रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, चल बैठ अब। चाचू एक मिनट रुके, मुझे भी स्कूल छोड़ दे। लो शैतान को याद किया और वो हाजिर भी हो गया। ओ मैंने तेरा ठेका उठा रखा है, बाप कहाँ है तेरा, उसे क्या छोड़ के आए, और तूने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लेना। सॉरी चाचू, अब्बू की तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा कि चाचू के साथ चला जा, मेरे पेपर हो रहे हैं इसलिए जाना भी जरूरी है। जरूरी है तो भाई मैं क्या करूँ, वो मोहल्ला छोड़ के हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन तुम लोग तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। जा यहाँ से, मैं नहीं लेके जा सकता तुझे। बेटा तू अभी तक स्कूल नहीं गया, वापस क्यों आ गया? अब्बा आप ये बताएं कि सरोज चाचू आपके सगे भाई हैं? हाँ बेटा, वो मेरा सगा भाई है। क्यों, क्या हुआ, उसने कुछ कहा? सिर्फ कुछ, आज उन्होंने मुझे बहुत बातें सुनाई हैं अब्बा। अच्छा तू फिक्र ना कर बेटा, कोई बात नहीं, चल तुझे स्कूल से देर हो रही है, मैं खुद छोड़ के आता हूँ और शाम को तेरे चाचा से भी बात करूँगा। नहीं अब्बा आप बीमार है, आराम करें, मैं चला जाता हूँ पैदल। नहीं बेटा, तेरा पर्चा मेरी बीमारी से ज्यादा अहम है, और अकेला तू कैसे जाएगा, मैं तुझे खुद छोड़ के आता हूँ। शरोज, हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बच्चों से तो ऐसी वैसी बातें ना किया करो ना, अगर अभी से उनके जहन में ये सब बैठ गया तो हमारी इज्जत नहीं करेंगे। तू और तेरा बेटा दोनों ही झूठे हैं। नहीं तू तो बीमार था, फिर यहाँ कैसे आ गया? तुम लोग वैसे ही मेरी तरक्की से जलते हो, इसलिए रोज कोई ना कोई बहाना बना के झगड़ने आ जाते हो। नहीं छोटे, ऐसी बात नहीं है, और ये तू मत भूल के आज तू अमीर है तो मेरा हक मरने की वजह से है। उस हवेली में जितना हिस्सा तेरा बनता था उतना ही मेरा है। ओ भाई कौन सा हक और कैसा हिस्सा, वो मरते समय अब्बा और अम्मा ने मेरे नाम हवेली की थी, तो मेरा जब दिल किया मैंने बेच दी, आज तू उठ के आ गया जी हिस्सा मांगने, चल चलता बन यहाँ से। जबान संभाल कर बात कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, हिस्सा तो अपना अदालत जाकर ले ही लूंगा, तू फिक्र ना कर। अब तो तू भूल गया होगा उस वक्त को जब तेरे घर रोटी नहीं पकती थी और मैंने तेरी नौकरी लगवाई, आज तू मेरे खिलाफ ही केस करेगा, जा कर ले जो कर सकता है, दफा हो जाए यहाँ से। जा रहा हूँ, मगर ये याद रखना कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। जी शेरोज साहब, आज मुझे कैसे याद कर लिया? तुम्हारे जिम्मे काम लगाना है, आमिर को आज के आज ही नौकरी से निकाल दो। नौकरी से निकाल दूं? पर क्यों, वो तो आपका सगा भाई है और अब तो मालिक का भी बहुत चहेता है। जो भी हो मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरे कहने पे ही उसे एडजस्ट किया था ना, आज मैं कह रहा हूँ तो निकाल दो बस। ठीक है जनाब, आप गुस्सा ना करें, आपके हुक्म की तामील होगी। चलो ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज। आज जितने भी कस्टमर्स आएंगे आपने उनको कोई ना कोई जूस कम्प्लीमेंट्री देना है। सर मैं आ गया हूँ, मेरा यूनिफॉर्म तो मुझे दे दे। कोई यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया, अब जाओ यहाँ से, ये मलिक साहब का ऑर्डर है। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है, दो दिन की छुट्टी ली हुई थी फिर क्यों निकाल दिया, मैं मलिक साहब से मिलना चाहता हूँ। मगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहते, बाकी तेरा हिसाब क्लियर है, तू अपने भाई का ना हुआ तो मलिक साहब का क्या होगा। ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, सब समझ गया हूँ। चले ठीक हो गया मैनेजर साहब, ओके। अहमद तुम्हारे ताए को तो मैंने निकलवा दिया नौकरी से, अब तुम्हारा काम बनता है उसके बेटे का मुकाबला करना। जी जी बाबा, फिक्र ना करें, उसका भला मेरे साथ कोई मुकाबला बनता है, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ और वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। शाबाश मेरे बेटे, बस तू एक बार उससे आगे निकल जा, फिर देख मैं इन लोगों के साथ करता क्या हूँ। जी जी, इनकी औकात ही क्या हमारे मुँह लगने की। मैनेजर मुझे जरा आज के हिसाब की फाइल चेक कराओ। ये क्या है, सारा हिसाब गड़बड़ किया हुआ है, पहले तो मुझे तुम पे शक था लेकिन अब मैंने खुद देख लिया, इतना बड़ा घपला।
नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। फाइल मुझे दें, मैं चेक करता हूँ। लो, तुम खुद देख लो, हिसाब में पूरे 30,000 का फ़र्क आ रहा है। अब तो मैं सब जान चुका हूँ। और वो आमिर को क्यों तुमने नौकरी से निकाला है? वो तो नहायत ईमानदार शख्स था। नहीं जनाब, वो तो छुट्टियाँ भी बहुत करता था और सामान भी चोरी करके ले जाता था। बहुत नुकसान किया उसने आपका। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगाते हुए। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं तुम्हारी जगह उसे मैनेजर रखूँगा। मगर सर। अगर मगर कुछ नहीं, तुम दफा हो जाओ अब यहाँ से, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आमिर एक काम करो, फौरन मेरे ऑफिस में आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मगर जनाब, मैं इस वक्त मजदूरी पे हूँ और मैनेजर मुझे काम से निकाल चुका है। हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ। आज से मैं तुम्हें अपने होटल का मैनेजर हायर कर रहा हूँ, बस तुम जल्दी से आ जाओ। मैनेजर और मैं? जी ठीक है जनाब, मैं अभी आता हूँ। आ गया मेरा बच्चा, क्या बना रिजल्ट का? बाबा वो मैं फेल हो गया हूँ, सॉरी बाबा। क्या बकवास कर रहा है, फेल कैसे हो गया? बातें तो तू बड़ी बड़ी करता था और रिजल्ट फेल, डूब के मर जा। बाबा मैं क्या करूँ, कोशिश तो की थी मैंने पूरी। अगर तूने कोशिश की होती ना तो कम से कम पास हो जाता। मेरी किस्मत ही खराब है, उस मनहूस को नौकरी से निकलवाया तो वो मैनेजर बन गया। बाबा लगता है हमने उनके साथ बुरा किया और हमारे साथ ही बुरा हो गया। बकवास बंद कर बेशरम, दिल कर रहा तेरा मुंह तोड़ दूं। बाबा बाबा आपको बहुत मुबारक है, मेरी पहली पोजीशन है, ट्रॉफी भी मिली है। अरे वाह, शाबाश मेरे बेटे, तुझे भी बहुत मुबारक हो, सारी मेहनत तो तेरी है। मगर बाबा आपने भी तो मेरा साथ दिया, मेरी हौसला अफजाई की है, इसी वजह से तो मैं कामयाब हुआ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये सब अल्लाह का करम है। चल आप तेरा मुंह मीठा कराता हूँ। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।